आखिरकार Xiaomi ने इंडिया में अपने दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए। इनके नाम है Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 5। हालांकि कंपनी ने Redmi 5 Plus को ही Redmi Note 5 के नाम से इंडिया में लॉन्च किया है, लेकिन Redmi Note 5 Pro एक डिफरेंट फ़ोन है। इसमें आपको डुअल रियर कैमरास, एक नया प्रोसेसर और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। ऐसे में अगर आप एक नया फ़ोन लेने की सोच रहे थे तो आज मैं आपको इन दोनों फ़ोन का एक कंपैरिजन दिखाता हूँ, जिसकी हेल्प से शायद आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं Redmi Note 5 वर्सेस Redmi Note 5 Pro। अब सबसे पहले इन दोनों फोन्स के डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात की जाए तो अगर आप इन दोनों फोन्स को फ्रंट से देखेंगे तो ये डिफरेंस बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा Redmi Note 5 Pro है और कौन सा Redmi Note 5, क्योंकि कंपनी ने सामने से इन दोनों फोन्स को एग्जैक्टली सेम बनाया है। दोनों ही फोन का स्क्रीन साइज सेम है और दोनों ही फुल विजन डिस्प्ले से लेस है। इनफैक्ट इनकी थिकनेस भी सेम है और क्योंकि ये मेटल बॉडी स्मार्टफोन है इसलिए दोनों पकड़ने में भी आपको प्रीमियम क्वालिटी का एहसास देंगे और अपने कर्व्ड बैक की वजह से भी आपको सेम ग्रिप ही देंगे। लेकिन जैसे ही आप इनको बैक साइड पर देखेंगे तो आप इनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन सा Redmi Note 5 Pro है और कौन सा Redmi Note 5। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही देखने में हूबहू सेम है और आपको एक अच्छी लुक्स मुहैया करवाते हैं। वहीं डिस्प्ले वाइज देखा जाए तो दोनों में आपको मिलता है 5.99 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले और इनके डिस्प्लेज कलरफुल और शार्प तो है ही, साथ ही साथ आप इनको तेज़ धूप में भी अगर यूज़ करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको तेज़ धूप में भी इनके टेक्स्ट एकदम क्लियरली दिखाई देंगे और आप इनको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और इनफैक्ट क्योंकि इनमें आपको मिलता है फुल विजन डिस्प्ले इसलिए इनमें आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा एनहेंस हो जाता है। इन दोनों फोन्स में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है इनके कैमरास का। जी हाँ, Redmi Note 5 Pro में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर सेंसर, जबकि Redmi Note 5 में सिर्फ सिंगल 12 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है। पर आपको बता दूं कि हालांकि दोनों के मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल के हों, लेकिन हमारे इनिशियल टेस्ट में Redmi Note 5 Pro का कैमरा ज़्यादा बेहतर साबित हुआ और ये आप इन पिक्चर्स में खुद ही देख सकते हैं कि दोनों ही सेम एंगल और सेम लाइटिंग सिचुएशन पे क्लिक की गई हैं, उसके बावजूद भी Redmi Note 5 Pro की पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इनफैक्ट अगर हम इन्हें जूम भी करेंगे तो आप डिटेलिंग में भी अंतर देख सकते हैं, चाहे पिक्चर हमने डे लाइट में क्लिक की या फिर लो लाइट में, Redmi Note 5 Pro का कैमरा हमेशा ही अच्छा साबित हुआ और ग्रेन्स भी इनमें आपको कम देखने को मिले। इनफैक्ट Redmi Note 5 Pro के रियर कैमरा से आप बोके इफेक्ट वाली पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलता है एक्स्ट्रा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर जो कि Redmi Note 5 में नहीं दिया। ये वीडियो मैं इन दोनों के रियर कैमरा से शूट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि Redmi Note 5 का रियर कैमरा ज़्यादा बेहतर लग रहा है और सच में ये एक ताज्जुब की बात है, क्योंकि जब हम स्टिल्स की बात करते हैं तो Redmi Note 5 Pro का रियर कैमरा ज़्यादा बेहतर साबित हुआ था, पर वीडियो के मामले में Redmi Note 5 जो है, जो सस्ता वेरिएंट है, वो ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। और इस दौरान मैं इन दोनों के ऑडियो को भी जंबल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कभी Redmi Note 5 का ऑडियो ऑन हो रहा है और कभी Redmi Note 5 Pro का ऑडियो ऑन हो रहा है। और इस वीडियो के दौरान आप ये भी देख सकते हैं कि किसकी इमेज स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छी है, पर फिलहाल अगर आप मेरी मानेंगे तो मुझे Redmi Note 5 की इमेज स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छी लग रही है। वहीं बात की जाए इनके फ्रंट कैमरास की तो Redmi Note 5 में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, तो दूसरी ओर Redmi Note 5 Pro में दिया है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। अब हालांकि दोनों में ही आपको LED फ्लैश लाइट मिल जाएगी जो कि अंधेरे में फ़ोटो क्लिक करने के लिए काफ़ी कारगर साबित होती है, लेकिन हमारे टेस्ट में Redmi Note 5 Pro एक तो अपने सेंसर की वजह से भी अच्छा साबित हुआ, साथ ही साथ जो इसकी LED फ्लैश लाइट है वो अच्छे से स्पेल होती है और आपको एक अच्छा ग्लो देती है, साथ ही साथ आपको ग्रेन्स भी कम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहते हैं तो Redmi Note 5 Pro आपके लिए एक बेस्ट डील साबित होगा। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो ऑब्वियस सी बात थी कि Redmi Note 5 Pro का फ्रंट कैमरा अच्छा साबित होगा और वीडियो में भी Redmi Note 5 Pro ही आगे निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि Redmi Note 5 Pro जो है वो मेरे पीछे से आ रही हार्श लाइट को कंट्रोल करके मेरे चेहरे को एक्सपोज कर रहा है, जबकि Redmi Note 5 में मेरा चेहरा डार्क हो जा रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा टर्न करूँ तो आप देख सकते हैं कि हार्श लाइट में मैं जा रहा हूँ, ये आया मैं हार्श लाइट में,
और यहाँ पे भी Redmi Note 5 Pro ही ज्यादा बेहतर साबित हो रहा है। और इस दौरान अगर आप देखेंगे तो ऑडियो भी जंबल हो रहा है, कभी Redmi Note 5 Pro का ऑडियो चल रहा है और कभी Redmi Note 5 का। और अब मैं थोड़ा सा तेज चल के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इन दोनों की इमेज स्टेबिलाईजेशन का भी अंदाजा हो जाए। कैमरास के बाद इन दोनों फोन में जो अंतर है वो है इनके प्रोसेसर में। जहां एक और Redmi Note 5 Pro में आपको मिलता है Snapdragon 636 चिपसेट, तो वहीं Redmi Note 5 में दिया है Snapdragon 625 चिपसेट, जो कि आपने Xiaomi Redmi Note 4 और Mi A1 में देखा होगा। हालांकि ये दोनों ही चिपसेट आपको एक उम्दा परफॉर्मेंस देंगे, आप दोनों में ही एसफेल्ट एक जैसी गेम्स चला पाएंगे और डेली के सारे कामकाज कर पाएंगे, लेकिन जब पावर की बात आएगी तो Redmi Note 5 Pro आगे निकल जाएगा। और इसका सबूत आप खुद देख सकते हैं कि हमने आपको एंड-टू-एंड बेंचमार्क स्कोर दिखा रहे हैं दोनों फोन्स के, और Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 5 के बेंचमार्क स्कोर में काफ़ी अंतर है। वहीं बैटरी और सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये दोनों फोन्स लगभग एक समान साबित होते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है और हमारे वीडियो लूप टेस्ट में ये दोनों फोन्स लगभग 21 घंटे तक सर्वाइव कर पाए। इनफैक्ट इनका सॉफ्टवेयर भी सेम है, दोनों में आपको मिलता है एंड्रॉयड नोगा जो कि MIUI 9 से लेस है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कंपनी बहुत जल्द शायद आपको इन दोनों फोन्स में एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट दे दे। अब इन दोनों फोन्स के फीचर्स देखने के बाद सवाल उठता है कि कौन सा फ़ोन लिया जाए, Redmi Note 5 Pro या फिर Redmi Note 5। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि Redmi Note 5 एक अच्छा फ़ोन है और दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और आपको निराश भी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन चाहते हैं तो Redmi Note 5 Pro को ही कंसिडर कीजिए, क्योंकि एक तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा मिल रहा है, इसका प्रोसेसर नया है और साथ ही साथ इसमें आपको शानदार सेल्फी वाला फ्रंट कैमरा मिल रहा है। ऐसे में अगर आप एक नया फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो Redmi Note 5 Pro को ही आपको कंसिडर करना चाहिए। और कुछ यूज़र्स ऐसे भी होंगे जो कि Redmi Note 4 को अपग्रेड करना चाह रहे होंगे, उनके लिए भी मैं Redmi Note 5 Pro ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि Redmi Note 4 और Redmi Note 5 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, सिर्फ स्क्रीन का ही थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप एक अच्छे फ़ोन की चाह रखते हैं तो Redmi Note 5 कोई बुरा ऑप्शन नहीं, आप डेफिनेटली इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। तो ये था Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro का एक छोटा सा कंपैरिजन। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने इस पर कुछ पॉइंट्स मिस किए या फिर आप इन फोन्स के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हर बार हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। और एज यूजुअल अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हैं तो आप इन दी गई आईडी पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।